विभू विभू आपने बुलाया <laughs> आपने बुलाया ये <laughs> तो मुझसे बात कर रहे हो किसी और से बात कर रहे हो इस कमरे में आपके अलावा आपके अलावा और मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है इस कमरे में तुम तो मुझसे ऐसी तो बातें नहीं करते थे मैं अजनबियों से ऐसी बात करता हूँ अजन विभू आई एम योर वाइफ मैं तुम्हारी बीवी हूँ आई नो आई नो आई नो बट वो आपकी जो शक्ल है ना ये अच्छी नहीं है अच्छी है वेरी नाइस वेरी वेरी गुड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बट यू नो वो पहली वाली सूरत जो थी ना वो आई ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे मेरा हस्बैंड मेरे होने की निशानी मांगे नहीं, नहीं आप गलत समझ रही मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ तुम चिंता मत करो देखो अब ये जो मेरी नई शक्ल है वो मेरे लिए भी थोड़ी सी अजनबी है I have a feeling कि भले ही सूरत मेरी बदल गई हो लेकिन अब जिंदगी भर साथ तो यही निभाएगी ना हम्म थोड़ा सा वक्त तो आदत हो जाएगी वो तो है और uh, सूरत ही तो बदल गई है ना हाँ वो तो है रो तो वही है हाँ वो तो है तुम एक नंबर के गधे हो हाँ वो तो है क्या कहा भी आपने मैंने कहा कि तुम एक नंबर के गधे हो जाहिल हो एक नंबर के तुमसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो मैंने, में? मैंने क्या किया यही तो प्रॉब्लम है तुमने किया क्या है वो डू मीन आई मीन लॉन का फर्श देखा है कितना गंदा है मेरे जाने के बाद मुझे बोलो तुमने एक बार भी साफ नहीं किया ना था और मेरे गमले कभी पानी डाला है और फर्श हफ्ते में चार बार धोया करता था चार बार पोछा करता था वाओ जस्ट लाइज झूठ बोलने की कला है तुम में सारा काम करो ऊपर से आपकी बातें सुनो अनफेयर बाप नहीं थे घर में तो सारा काम मैं तो करता था और कौन करता था देख ही रहा है दिस इज वेरी अनफेयर देखो बड़े दिन से दीपू मस्ताना से मुलाकात नहीं हुई दीपू मस्ताना खर्राटे मार के सो रहा है फाइन <laughs> सो जाओ फिर कहना कि मैं ही नहीं हूँ। सब मेन एंड विमेन हैव देयर ओन सिग्नेचर, एंड यू आर वन ऑफ देम। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विलक्षण। अलग तो कि भैया। आप अगली। आप एक तो चीज देखें। अनीता जी का चेहरा डॉक्टर कितना बदल दिए हैं वाकई पगली हम भी इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि भाभी जी का चेहरा कितना अलग हो गया है हाँ अलग तो हुआ है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी वो हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत सही कह रही हो उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई ये बात तो हम भी फूल किए रहे <laughs> फूल नहीं फील होता है पगली सही पकड़े हैं एक बात और हमको ना अनीता जी का जो पर्सनल आंटी है ना वो बहुत मजबूत लगता है पर्सनल आंटी नहीं पर्सनालिटी होता पगली <laughs> सही पकड़े हैं उनका व्यक्तित्व उन्हें ऐसे सबको अपनी तरफ खींचता है वाकई पगली बहुत सही कह रही हो तुम तो। एक तो बात ना हमको समझ ना आया पार्टी में का पगली आप क्या अनीता जी को देखकर बेहोश काए हो गए थे <laughs> का? कसम खा के कह रही भैया पार्टी में मजा आ गया ए, दोस्तों एक बात कहूँ भैया डांस तो मोकी मल्ली भी ना बड़े जोर का करती है एकदम सा उठा देती है कहाँ से सीखो तुमने डांस डांस बाद में अरे मेरा मतलब है कि एक बार हम सारे दोस्त लोग ना चिल आउट करने डांस बार में गए थे हाँ हा, और पता है वहां एक बहुत अच्छी डांसर भी थी अरे इतनी अच्छी डांसर थी ना कि उसके डांस इतना इंप्रेस हो गई ना डांस बार में जाने लगी मल्ली अच्छी बात नहीं है लोग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे मैं तो इतनी बोल्ड हूँ इतनी बोल्ड हूँ कि एक बार ना मेरे फ्रेंड की शादी हुई और पता है मैंने एक ना प्रैंक खेला बता, बताओ बताओ कैसा प्रैंक खेला अरे ना उसके हस्बैंड के साथ हनीमून मना के भी आ गई और मेरी फ्रेंड को ना पता भी नहीं चला <laughs> <laughs> अरे जब इतनी कहानी बता दी है तो ये भी बता दे कि उसके बाद क्या हुआ <laughs> अरे उसके बाद क्या होना था उसके बाद मल्ली के घर लल्ली हुई मलखान तेरे तो एडवांस लॉटरी लग गई यार छोटी मलखानी पैदा हो गई अरे उसके घर तो लल्ली हुई मुझे तो जुड़वा हुए थे <laughs> ऐसी ऐसी शक्ल तो होगी ना हमारी ऐसी ऐसी बातें करोगे तो ऐसी शक्ल हो जाएगी अरे वी आर जस्ट जोकिंग सच्ची मजाक था ये ठीक <laughs> है अच्छा गाइस तुम लोग ये सारी बातें छोड़ो पहले ये बताओ कि वैलेंटाइन पार्टी का कुछ डिसाइड किया या नहीं कहा अभी तक इन लोगों ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया हम मौकी मल्ली चिंता मत ना करे इस बार ऐसा वैलेंटाइन डे बनाएंगे ऐसा वैलेंटाइन डे बनाएंगे ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे ऐसो वैलेंटाइंस डे मनाएंगे कि वैलेंटाइंस डे मनाने के लायक ही नहीं बचेंगे <laughs> जेगा बकवास कर रहा हो भैया सकते ना कर सकते है ना भैया तुम चाहते का हो ऐसे हाँ। लॉन्डो में क्या सॉरी बहन जी हो <laughs> बहन जी होगी मेरी जुत्ती हम कोई बहन जी बहन जी नहीं है <laughs> और तुम्हारे घर में बहन नहीं है क्या जो हमें जी बोल रहे हो, कमीना। I like it. <laughs> ऐसा है लड़कों के मैं इन बहन जीओ के सामने ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं <laughs> नहीं ज्यादा कुछ करूंगा है बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम तीनों ने इस विदेशी त्योहार को मनाने की कोशिश की तो अनोखे लाल सक्सेना की सेना जिसका नाम शक सेना है तुम तीनों की ऐसी बैंड बजाएगी ऐसी बैंड बजाएगी कि तुम तीनों सपने में भी सोच नहीं सकते सारे सक्सेना तेरी ऐसी की तैसी कसम खा के कह रही हूं ना। अगर तू हमारे बीच में है ना तो तेरी सख्सेना समित जाकर कटे के नाले में लथेड़ लथेड़ के मारूंगा तुझे लथेड़ लथेड़ के आई लाइक इट अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। नेवर माइंड, नेवर माइंड। अहिल्लो भरबुदी जी सॉरी। इट्स ऑल राइट भाभी जी, आपने अनजाने में सही कम से कम आपने मेरे दिल की बात कह दी। आप क्या बोले? मैं कह रही कैसी हैं आप, भाभी? हाँ हम ठीक हैं। आप कुछ बोल रहे थे। भाभी जी मैं कह रहा था कि आजकल जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव सा है बड़ी उथल पुथल सी है लेकिन आपका जिंदगी तो अच्छा अच्छा होना चाहिए ना कि अनीता जी वापस आ गयी हैं। अभी जी, अनीता वापस आ गई लेकिन मुझे लगने कि मेरी अनु वापस आई है। बल क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी आपको भी ऐसे लगता है कि मैं अनीता मिश्रा नहीं हूँ <laughs> जी भाभी जी बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप अनीता भाभी जी हैं। तो फिर क्या लगता है मैं क्या हूं? अरे भाभी जी वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं आ, क्या लगता है मैं क्या हूँ अनिता जी आपको एस्ट्रोलॉजर लगती हैं एस्ट्रोलॉजर नहीं आप स्ट्रेंजर कहना चाह रही पकड़े हैं बिल्कुल गलत पकड़े हैं तिवारी जी ये ऊपर वाले ने ना आप मर्दों को सेंसेस थोड़ी ही दिए हुए <laughs> जैसे किसी अपने की खुशबू को महसूस करना भाभी जी इस मामले में हमारी नाक बहुत कमाल है हमने आपकी फेवरेट परफ्यूम सूंघ ली थी मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूं तिवारी जी मैं रिश्ते की खुशबू की बात कर रही हूं हाँ भाभी जी मतलब उसकी खुशबू उसका उसके जिस्म की स्मेल एवरीथिंग इज सेम लेकिन अननू नहीं है कुछ اجنبی लगती है आई फाइंड हर स्ट्रेंज देखिए हम बताते हैं भरभूति जी आप बहुत सोच रहे हैं कहा है ना कि अनीता जी बहुत दिनों बाद लौटी हैं में और आप कानपुर में बहुत दिनों बाद मिल रहे ऐसा आप फील कहना चाह रही है सही पकड़े हैं धीरे <laughs> धीरे ना टेम के साथ सब ठीक हो जाएगा बोले भाभी जी तब तक आप मेरे लिए दुआ कीजिए तो हम करेंगे चलता हूं। ओ आ गए। <laughs> <laughs> <अगुणी> जी। <laughs> आहिलो अनीता जी क्या बात है आप लोगों का जुगाली हो गया जॉगिंग सही पकड़े हैं गुड मॉर्निंग मैडम अरे 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 संभाली मैडम संभाली क्या मैडम मैडम लगा के रखा है मैं मैं तुम्हारी अनु हूँ अनीता हूँ मैं मैं देख रही हूँ कि मैं जब से वापस आई ना तुम बड़े स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो मेरे साथ अरे यार किस टाइप के आदमी हो अभी तक भाभी जी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हम कर लेते हैं क्या कुछ नहीं चाहिए ना यार चाहिए बोलो भला ये ऐसा कौन सा पति है जो अपने ही बीवी को मैडम बुला रहा है <laughs> भला चेहरा बदलने से इंसान बदल जाते हैं क्या आप वहां से आ क्यों गई देखो अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है ना तो ऐसे ही छोड़ दो ये सब मत करो ये ये, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ये तुम तो, तुम क्या कर रहे हो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि मुझे पहचानते ही नहीं हो एक्चुअली क्या है कि मैं जानता हूँ आप वही हैं बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो शक्ल है ना इसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यू नो व्हाट लेट्स गो बैक इन टाइम तुम्हें याद है जब शुरुआत में स्टार्टिंग में तुम्हारे दो बड़े बड़े बाहर की तरफ झांकते हुए दांत हुआ करते थे या, याद है, या। और जब डॉक्टर ने वो दांत निकाल दिए थे तो मुझे भी लग रहा था महीनों के लिए कि ये कौन अजनबी इंसान है जिसके साथ मैं रह रही हूं, जिसके आगे के तो दांत ही नहीं है लेकिन कभी भी मैं तुम्हें नहीं, नहीं, yes, exactly. अक्सर तुम अपने निकाले हुए दांतों के साथ यूं मुंह खोलकर सो जाया करते थे और तुम्हें याद है उस दिन जब तुम छत पर मुंह खोलकर सो गए थे और एक कौवा गुस्ताखी करके उड़ के चला गया था या आपको सारे इस तरह के इंसिडेंट्स याद हैं कोई अच्छे इंसिडेंट्स याद नहीं है नहीं इस तरह के मुझे और अच्छे लगते हैं एंड बेबी यू रिमेंबर दैट टाइम जब हम पहली बार मिले थे फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल की कोर्ट पर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी और तुम तो आ गए थे

कॉलेज फेस्टिवल में मैंने आपके लिए एक शेर पढ़ा था शेर था। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलत पे दरबान बिठा रखा <laughs> भाभी जी का नया मुखड़ा एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाला है नई आंख नए होठ नई जुल्फे सब कुछ बढ़िया लेकिन ये भभूति जी का अजनबियों जैसा व्यवहार भाभी जी के प्रति हमें कुछ अच्छा नहीं लगा <laughs> अब नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है यार तू तो, तो शायर हो गया मैं? <laughs> लेकिन हमें भाभी जी के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ानी होगी मेलजोल बढ़ाना होगा तभी तो फिर से जीवन की बैलेंस शीट टैली होगी है पगली तुम देख नहीं रही हो हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं <laughs> आ तो का का <laughs> <हुँु>। है <laughs> ना कि रिलैक्सेशन का टाइम खत्म और एक्शन का टाइम शुरू है ना कि बैल इन टाउन आ रहा है <laughs> बैल इन हाउस ही है शायद तुम वैलेंटाइन कहना चाह रही हो आ, सही पकड़ा है लाल गुब्बारे वाला दिन लाल गुलाब एक दूसरे को देने वाले दिन और तो आप हमको कहा ले जा रहे हैं अब वो हम झकरकटी के जंगलों में शेर के बालों से जुए निकालने जा रहे हैं तुम चलोगी आइडिया कुछ भी बोलते हैं यहाँ तो हम आपके प्रेम रूपी जंगल में जंगल सफारी करना चाहते हैं और आपका ही बन शिकारी जैसा बात करते हैं जुके भैया हाँ सुनिए ना आपको पता है एक ठो ना मॉडर्न कॉलोनी के पास एक ठो वो खुला है वहाँ ना कपल एंट्री फ्री है वो रेस्ट रूम नहीं है वो रेस्टोरेंट है सही पकड़े हैं <laughs> और चलिए ना वहाँ चलते हैं दोनों अरे हमने कहा हम नहीं जा सकते भाई तुम तो अम्मा के साथ चली जाओ जाओ हाँ दिया अम्मा हा, के साथ कहा जाएंगे और वैसे भी अम्मा जी तो पंडित राम फल के साथ गोवा गई हैं है कोनो खास किस्म की यज्ञ के लिए <laughs> अरे हमें नहीं बनाना ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन हमें तो अपने अकाउंट का बैलेंस शीट टैली करना है तो आ, आ, मतलब व्यापार का बैलेंस शीट टैली करना है बारे व्यापारी जब देखो तब बिजनेस बिजनेस वो कच्चा बनियान बो ओ कच्चा बनियान बेच बेच के ना आप कच्चा बनियान जैसे ही हो गए हो यार हमने कहा नाम हम नहीं बनाएंगे वैलेंटाइन वैलेंटाइन लेकिन चुप लेकिन वो बंद लेकिन अरे रुक जाओ यहाँ से निकल लाओ नहीं जाएंगे ठीक है फिर हम ही जा रहे हैं चल तो बैठो तुम बैठो लॉन्डो हाँ तुम लोगों को पता है क्या हो गया बताना टीका भैया रो रो मत हाँ? गिफ्ट लेने के लिए ना डॉक्टर साहब के पास है तो मतलब तूने अपने दोनों गुर्दे भेज दिए डॉक्टर को गुर्दे ने ने। गुर्दे से भी कीमती चीज अरे बोरी भैया टीका <laughs> वो डॉक्टर को सत्यनाश हो जाए कम वक्त को अब मौके का फायदा उठाना तो कोई बात डॉक्टर से सीखे चुप पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है यार ठीक है मेरी जान तू खुल के बता क्या हुआ क्या डॉक्टर ने ना 24 घंटा मीठा तेल से मालिश करवाई और पूरे घर को काम करवाओ रे चलो सारे तूने कब बेच दो मैंने म� ये ना चौधरी अरे अपना प्रेम चौधरी मेरी जान हाँ हा। <laughs> इसको मैंने अपना दस गज का प्लॉट बेच दिया और फिर जाके मैं अपनी तिल्ली के लिए गिफ्ट खरीद के लाया ओए की पूछ के खड़े भय बाल <laughs> सारे ज्यादा फ्लोस भी मजार समझ गो ना मां साहब को बटो पार करो भे <laughs> अब यार तुम दोनों तो दोस्त हो ना यार छोड़ो ना वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वाह बता मेरी जान तूने अपनी मल्ली के लिए किसको बेवकूफ बनाया कहां से आया पैसा पूछा बतना यार मैंने पठान से पठान से उधार लियो यार साले पठान से कर्जा लेने से बेहतर था कि तू झाकर कटी के नाले में डूब के मर जाता क्यों वो किस्तों में लेवे हुए हैं ना पैसे हैं मलखान, तेरी जा कुर्बानी बेकार ना जाएगी समझ गए सुन जा गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है ना ये बेकार ना जाएंगे हमारे हम देंगे वाको और वो कबूल करेंगी तारी कृपा है कहीं वैलेंटाइन बाबा की यार <laughs> तो तीनों मेरे साथ मिलकर बोलो वैलेंटाइन बाबा की जय जय <laughs> शख सेना की जय <laughs> मैंने तुम लोगों से क्या कहा था हैं है सेना के होते हुए तुम लोग वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकते <laughs> कहा था ना है सेना की जय <laughs> ए ए ए ए बहुत महंगा यार अच्छा बहुत महंगा उठा लो उठा लो उठा हां आहा सेना को ता म हाउस आई लाइक इट शक्स जिंदाबाद आई लाइक इट